शिवपाल यादव ने बुलंद की नेताजी की आवाज, अखिलेश यादव हुए गदगद। मंच पर अखिलेश के लिए शिवपाल ने पेश की नेताजी की गद्दी, जनता का जोश आए। शिवपाल यादव ने वही दांव मारा जिसमें फंस गई थी बीजेपी, अब फिर से मुकाबला तगड़ा। शिवपाल यादव ने चुनावी कमान क्या संभाली मानो बीजेपी की नींद ही उड़ गई हो। यूपी की सियासत में आजकल कुछ ऐसा ही हो रहा है। शिवपाल यादव कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ रहे जिससे बीजेपी को लीड मिले। इस चुनावी संग्राम में तो बहुत युद्ध देखने को मिल सकता है, लेकिन शिवपाल यादव ने अब नेताजी की एंट्री करा दी है, जिससे साफ है कि अब की बार लोकसभा चुनाव में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी सीट पर हुए उपचुनाव में जिस तरह से शिवपाल यादव ने रणनीति बनाई वो वाकई में काबिले तारीफ थी। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर शिवपाल की ही रणनीति रही कि बीजेपी फेल हो गई। अब लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है, ऐसे में शिवपाल यादव की एक रणनीति फिर चल पड़ी है जो कामयाब होने वाली है। अगर शिवपाल यादव का ये दांव कामकार हो गया तो फिर ये तय है आगे जो कुछ भी देखने को मिलेगा वो बीजेपी के लिए किसी सिरदर्द से कम नहीं। चुनावी मंच से शिवपाल यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया। शिवपाल यादव ने बता दिया कि सपा में अब कौन नेताजी की गद्दी पर बैठ सकता है और ये भी बता दिया कि इस चुनाव में बीजेपी कैसे फेल होने वाली है। दरअसल मौका था बदायूं में चुनावी जनसभा का। लाखों की भीड़ उस जनसभा में पहुंची थी। मंच पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद थे और चुनावी सभा में धार दे रहे थे। अखिलेश यादव से पहले शिवपाल यादव ने चुनावी सभा को संबोधित किया और अपने बेटे आदित्य के लिए वोट मांग रहे थे। इस बीच खूब तालियां बज रही थी कि शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव के सामने इतनी बड़ी बात कह दी कि अखिलेश यादव भी गदगद हो उठे। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए शिवपाल यादव ने कहा, आज जो चुनौतियां हैं बीजेपी के खिलाफ लड़ाई है, ये बहुत छोटी लड़ाई है। आज हम सबके बीच नेताजी नहीं है, नहीं तो बीजेपी की चुनौतियां हवा में उड़ जाती। शिवपाल यादव के इतना कहते ही खूब तालियां बजने लगी। चुनावी रैली से नेताजी के समर्थन में नारे लगने लगे। एक बार फिर से लोग मुलायम सिंह यादव को याद करने लगे। शिवपाल यादव अभी रुके नहीं थे और आगे अपने संबोधन को जारी रखा। शिवपाल यादव ने कहा कि जब नेताजी हेलीकॉप्टर से जाते थे तो महिलाएं पर्दा रख लेती थी और कहती थी कि दादा जा रहे हैं। यहाँ के लोग सिर झुका लेते थे और हाथ जोड़ते थे। आज भी वो समय याद है। नेताजी हम सबके बीच नहीं है, अगर होते तो चुनौतियां हवा में उड़ जाती। आप सब लोग जानते हैं नेताजी यहाँ से मुख्यमंत्री भी रहे, दो बार सांसद भी रहे और नेताजी का जब यहाँ से हेलीकॉप्टर निकलता था तो यहाँ की जो भी महिलाएं हैं अपना पर्दा डाल लेती थी कि दद्दा जा रहे, और यहाँ के जो लोग आदमी लोग सर झुका लेते थे और हाथ जोड़ लेते थे, आपको याद होगा। और हम नेताजी सबके बीच में नहीं हैं, अगर होते तो चुनौतियां हवा में उड़ जाती। भारतीय जनता पार्टी की चुनौतियां हवा में उड़ जाती। अब आप सब लोगों को अखिलेश में नेताजी को देखना होगा और डट कर के इन चुनौतियों का मुकाबला लेना होता। और हम आपको बताना चाहते हैं, मैनपुरी ने तो अपना सारा वोट नेताजी की श्रद्धांजलि के रूप में, टेम्पल के लिए आशीर्वाद के रूप में दे दिया था। अब बदायूं के की बारी है, अपना वोट का आशीर्वाद आदित्य को दे देना। अब आप सब लोगों को अखिलेश में नेताजी देखना है और डटकर चुनौतियों का मुकाबला करना है। शिवपाल ने कहा, मैनपुरी की जनता ने सारा वोट डिंपल को आशीर्वाद के रूप में दिया था, अब आपकी बारी है। नेताजी की याद में सारा वोट आदित्य को दे देना है। अब सवाल है, शिवपाल यादव ने दांव क्यों चला? नेताजी वाले दांव से बीजेपी क्यों टेंशन में होगी? इसका सीधा उदाहरण है मैनपुरी लोकसभा चुनाव का उपचुनाव। नेताजी के नाम पर सपा ने पूरी तरह से जाल बिछाया था। सपा के इस जाल में बीजेपी ऐसी फंसी थी, जमानत जब्त होने की स्थिति में हो गई थी, क्योंकि डिंपल यादव ने चुनाव में जीत हासिल की थी, जिसके बाद अखिलेश और शिवपाल के बीच दूरियां कम हो गई थी और दोनों एक हो गए थे, पार्टी में विलय भी कर लिया था। आज की स्थिति यह है कि सियासी चाल में सपा से आगे कोई नहीं। बीजेपी भी जानती है कि यूपी में अगर किसी से मुकाबला है तो वो समाजवादी पार्टी से ही है।